أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. फ़ाऊदबिल्ल समील आलिमिन शैतान मिन हमज़ी हैं वनफ़ी हैं वनफ़ बसमिल्ल रन रही वर्फ़ादर तम फ़ाउलमिन महतरम नादरीन वसामिनकम वरम् वरक आज के इस हफ्तावारी प्रोग्राम में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं आज का जो हमारा मौजू है जैसा कि आपने सुना अरब का पैगाम अपने बंदों के नाम ये मौजू बड़ा तवील है लेकिन मैं इख्तिसार के साथ कुछ अहम बातों की तरफ रोशनी डालूँगा सरेानाम में आयत नंबर एक सौ इक्यावन में वन फिफ्टी वन में और इसी तरह वन फिफ्टी टू और उसके बाद की जो आयतें हैं अल्लाह ताला ने बुनियादी बातों की तरफ इशारा किया हैं अपना पैगाम अपने बंदों को अल्लाह ताला ने दिया है और इन आयतों में अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्योंकि हकूक़ में सबसे बड़ा हक रब्बुल रब्मीन का हैं है। और दूसरा हक़ हकूक़ इबाद बंदों के हकूक़ है। हैं इस सिलसिले में चंद अहम बातें अल्लाह के अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाए हैं और अहादीस में हम जानते हैं कि जिन अयाम से हम गुज़र रहे हैं यह हज के अयाम हैं अल्लाह के नबी सलीस ने अपनी ज़िंदगी में पहला और आखिरी हज जो किया जिसको हजतुल कहा जाता है उस मौके पर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदों के नाम सुनाया है तो सूरह नाम की इन आयतों और प्यारे नबी वसम के खुतबे हज का मुख्तर जो है खुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा इसमें बहुत अहम बातें हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें हम कहें समझने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाएँ और सुनने समझने के साथ साथ अमल की अल्लाह न से फ़रमाए और इस पैग़ाम को रब के बंदों तक पहुँचाने की भी रब रबुलजल हमें तोफ़ीकदा फ़रमाए आमीन या रबालमीन ला तो आइए सुरान में अल्लाह ताला ने कहा कुल तलो अतलोम हरमा रब आल अल्लाह अल्ला तुश्र को बिश अबिलदेन एहसाना वला तख्तल इमलाक नो नज़ुकुम व्याम वला तख़ रबल्फ़वाह शम दोन बतन वाला तख्तुल्नबल्लति हरमल्ला बिल्कुल वसाकम बहीकम तखिल ने कहा आप कह दीजिए आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़ कर सुनाऊँ जिन्हें तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है और oh, ये कि अल्लाह के साथ किसी को शर्क मत करो और माँ बाप के साथ एहसान करो और अपनी औलाद को फ़ीरी अफलास के सब कत्ल मत करो हम तुम को उनको रोज़ी देते हैं बेहयाई के जितने तरीक़े हैं इनके पास मत जाओ खावा हो ज़ाहिर हो या पोशीदा हो, जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है इसके इसको कत्ल मत करो वहाँ हाँ मगर अल्लाह के हक के साथ अल्लाह ने कहा हाँ मगर हक़ के साथ इनका तुमको ताकि हुक्म दिया है ताकि तुम समझो तो सबसे सब पहले इन बातों में सबसे अहम देखिए सबसे पहली बात अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया अल्लाह तुश्रको भी शे अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो सबसे बड़ा पैगाम अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में दिया कि अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक ना करें एक अल्लाह की इबादत करें एक अल्लाह को अपना रब अपना खालिक अपना मालिक समझें और अल्लाह के जितने भी काम हैं जो अल्लाह ताला ने बताए हैं क़ुरान में वहाँ से करके खोल खोल कर अल्लाह ने बताया है उन तमाम चीज़ों पर को तस्लीम करें एक अल्लाह की इबादत करें वही इबादत का मस्त है उसके अलावा कोई इबादत का मस्क़ नहीं अल्लाह के बराबर कोई नहीं वो समद हैं वो बेनियाज़ हैं ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद हैं वो उसके बराबर कोई उसका शरीक नहीं अल्लाह ने तोहीद का पैगाम अपने बंदों को सबसे पहले अल्लाह ने तोहीद का पैगाम दिया है वालमला सुर मोहम्मद में भी अल्लाह ताला ने कहा इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं तो ये सबसे बड़ा हक है सबसे बड़ा हक है दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ है कि हम अपने एक रब की इबादत करें ये सबसे बड़ा पैगाम है मैसेज है जो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने दिया आदम सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले तमाम को अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो इसके ख़िलाफ़ वर्जी करेगा रब के हक़ को ना दें अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे उसकी ज़ात में हो उसके रबूबियत में हो उसके उलूहियत में हो या उसके असमव उसके जो बेहतरीन नाम में हो तो अल्लाह के किसी भी हक में अगर किसी दूसरे को हक़ देगा ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है या शिरक धीम ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है ऐर्क करना अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना और अगर कोई ऐसा बड़ा जुर्म कर ले और बग़ैर तोबा के मर जाए हाँ अगर कोई तोबा करता है शिर करने के बाद अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है जैसा से हाँ, जैसा कि हदीस ख़ुदी में फ़रमाया गया यबनादम लौतई तनी ब़ुरा बिहा क़ताया सकी तनी ला तश्र बी शैया अल्लाह फरमाया तो अल्लाह ताला ने यह तो पैगाम दिया कि हम अल्लाह एक अल्लाह की इबादत करें उसके तोहेद को तस्लीम करें किसी और को शरीक ना करें तो कोई शर्क करने के बाद अगर तौबा करता अल्लाह उसको माफ़ करेगा हदीस खुदुसी में बता रहा था अल्लाह ताला ने कहा अगर दुनिया भर की खता कोई कर ले उसमें शिरक भी जो है शामिल हैं फिर अगर तो मरने से पहले तोबा कर ले अल्लाह माफ़ करेगा लेकिन अगर इंसान इस हाल में मर जाए अल्लाह की पना अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए तो हीद पर अल्लाह खातिमा फरमाए आमीन अगर बग़ैर तोबा के कोई मर गया या ऐसा जुर्म है अल्लाह के साथ शर्क करना कि अल्लाह ताला उसको हरगज़ माफ़ नहीं, नहीं, नहीं करेगा कुरान में अल्लाह ताला सुर नसाह में इसका ऐलान कर दिया है तो इसी तरह दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिया बंदों के हकूक़ के सिलसिले में दूसरा जो पैगाम वालदे अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने सरे इसरा में भी कहा वो कदा रब का अल्लाह था अब्दो एहसाना तुम्हारे रब ने यह हकम दिया यह फ़ैसला किया है कि तुम उसके साथ किसी और की इबादत ना करो और कहा अबिलवालदिन एहसाना यहाँ भी कहा अबिल्दैन एहसाना के वालिदैन के साथ हुसन सलूक करो माँ बाप का बड़ा मक़ाम है माँ बाप का बड़ा मक़ाम होता है ज़िंदगी में माँ बाप जब तक मोमिन हो ईमान वाले हों और अल्लाह ताला के बारे में बताते हों कुरान हदीस के मुताबिक हम वहाँ माँ बाप की जो है ख़िदमत के साथ साथ उनके हर अच्छी बात को तस्लीम करना है उनके हकूक़ अदा करना है सुर इसरा में जो मैंने इशारा किया उसमें अल्लाह ने आगे बहुत सारे हकूक़ की तरफ इशारा किया यहाँ बिलखसूस अल्लाह ने कहा उनके साथ हुसन सलूक किया जाए ख़ास से बुढ़ापे की हालत में उनमें से दोनों या एक हो हम उनके साथ अच्छा मामला करें उफ तक कहने से अल्लाह ने मना किया उफ तक कहने की गुंजाइश नहीं तो नौज़ उन लोगों का क्या जुर्म होगा जो वालदे को झड़कते हैं मारते हैं बिल्ला ऐसे भी लोग तारीख़ में हमें मिलते हैं कि कत्ल तक कर हैं नौज़ बिल्ला बहुत बड़ा गुना है बहुत बड़ा जुर्म है तो वालदे के तल्ल से अल्लाह ने पैगाम दिया कि बचपन में जिस तरह उन्होंने हम पर प्यार शफक़त नरमी के साथ और हर वो वुरबानियाँ अगर कोई बाप बनता है कोई माँ बनती है तो बेहतर जानती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ क्या मामला करेगी क्या करेगा तो वो जो मामला हम करते हैं अपने बच्चों से बेहतर मामला हमारे वालदे ने हमारे साथ किया है तो वालदे का बड़ा मकाम है पैगाम अल्लाह ने दिया कि हम उनके साथ उसने सलूक का मामला करें उनकी हर मुमकिन खिदमत करें कोशिश करें उनके लिए दुआ भी करें रब हम हम गमा रब्ब यानी सगेरा और इसी तरह वालदे की नाफरमानी करना कबीरा गुना है और ऐसा जुर्म है बिल अख्तार में कह रहा हूँ ये आखिरी बात वालदे के सिलसिले अल्ल, में अल्लाह के नबी सास ने कहा कि हर गुना की सज़ा अल्लाह ताली चाहें तो आख़िरत में मखर कर सकता है आख़िरत के लिए मखर कर सकता है लेकिन वालदे की नाफरमानी वालदे की नाफरमानी ऐसा जुर्म है कि दुनिया ही में उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी दुनिया में ही उसकी सज़ा मिलकर रहेगी अल्लाह की पना अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए आमीन इसी तरह तीसरा पैगाम ने नायातों में दिया औला तख्तुलू अवलाद कुम मिन इम्लाक इफ्लास के डर से फ़ख्र व फाखे के डर से अपने बच्चों को ख़त्ल ना करो अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने जो औलाद अल्लाह ने दी है अल्लाह हमें रोज़ी देने वाला उसी की तरह अल्लाह ने कहा नुख हु व या हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रोज़ी देने वाले हम हैं किसी के रोज़ी की जिम्मेदारी कोई नहीं किसी को जिम्मेदार अल्लाह ने नहीं बनाया असल जिम्मेदार हमारा रब है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला सूरह में बारहवें पारे की पहली आयत अल्लाह ने कहा इस कायनात में रहने वाली हर मखलूक चाहे माँ के पेट में हो या दुनिया में आ चुकी हो हर एक की रोजी की ज़िम्मेदारी हमारे रब के हवाले रब ने अपने हवाले ली हैं असल जिम्मेदार वो हैं हम जिम्मेदार नहीं हम एक जरिया हैं सबब हैं हम खत्म हो गए हमारी ज़िंदगी ख़त्म तो रब खिलाने वाला है रब पिलाने वाला है इस डर से अपने बच्चों को ना कत्ल करें कि वो हम फकीर हो जाएंगे हम मोहताज हो जाएँ ख़ास तौर से बच्चियों के मामले में हमें डरना चाहिए ये बच्चियाँ हमारे लिए जहन्नम से आड़ बनेगी मन आला जा रही बच्चों की बच्चियों की विलादत बच्चियों का मिलना बड़ी नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जहन्नम से आड़ बनेंगी ये बच्चियाँ जहन्नम से जो है आड़ बनेगी और इसी तरह ज़माने जाहली देखिए लोग अपने फख्र फाखे के डर से ख़ास तौर से बच्चियों को जो है नापसंद करते उनकी पैदाइश को और चेहरा छुपाते हुए घूमते फिरते थे वहदत उसत उसी की तरह अल्लाह ने इशारा किया जब उन बच्चियों से पूछा जाएगा क़ियामत के दिन किस जुर्म की वजह से किस जुर्म के पादाश में उनको कतल किया गया और आज देखिए कतल की सज़ा की नोयत क्या है ज़बत विलादत फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग करके लोग आज अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं हो सकता है कि आपके बुढ़ापे का सहारा बने किसको मालूम पहली औलाद हो एक या दो के बाद या जो भी जितनी ख्वाहिश होती उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग की जाती आपको क्या मालूम वो बच्चे ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे क्या मालूम कि वो जवानी को पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या मालूम कि वो नेक होंगे बद होंगे जिसको आप कत्ल कर रहे हैं जबते विलादत के ज़रिए फैमिली प्लानिंग के ज़रिए पता नहीं कौन बच्चा कौन बच्ची या तमाम के तमाम नाफरमान होंगे या तमाम के तमाम अच्छे होंगे या बाज़ अच्छे होंगे या बाज बुरे होंगे किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता औलाद की नेमत अगर मालूम करना है उन लोगों से पूछिए जिनको वक्ती तौर से अल्लाह ताला ने आजमाया है और शादी होकर कई साल हो गए और जिनको बच्चे नसीब नहीं उन माँ बाप से पूछिए कि अल्लाह ताला से कितनी दुआएं उन्होंने की हैं और कितने ऐसे हैं कि बच्चों की ख्वाहिश में नौज़ बिल्ला शर्क तक कर रहे हैं दरगाहों का चक्कर लगा रहे हैं फला फला बाबाओं का चक्कर लगा रहे हैं नौज़ बिल्ला जाके कभी उनसे पूछे मैं ये नहीं बता रहा उनका अमल गलत है अपनी जगह लेकिन उनकी ख्वाहिश उनके जज्बात उनके एहसास औलाद की तमन्ना अल्लाह अकबर वही लोग समझ सकते हैं आज की कि, कितने लोगों को कि अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज़ा औलाद बहुत बड़ी नेमत है अमानत है हमारे पास हम इस अमानत को गौर करें आज फितनों के दौर में बच्चों की सही तरबियत बच्चों की सही तालीम कि ज़रूरत है कि हम इस पर इसका जायजा लें अपने मुहासबा करें क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है सिर्फ मुख्तर पैगाम सुनाना है इन बातों पर मैं इतफ़ा करूँगा खुानफु सकुमाह नारा पर हम अमल करें अपने आप को अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें हर मुमकिन कोशिश, कोशिश करें हम जिम्मेदार हैं निगरान उसके बाद अल्लाह तह वाला तखरबुल्फवाशर उमा वतन अल्लाह ने कहा फवाह के करीब मत जाओ बेहयाई के कामों के तरफ मत जाओ कोई भी तरीका हो चाहे जाहिर हो अलानिया हो छुपकर हो हर बेहयाई बे है हर बेहयाई से अल्लाह ने मना किया आज देखिए बेहयाई के कितने चोर दरवाजे हम इख्तियार कर रहे हैं अल्लाह की पना अल्लाह की पना हमेशा अपनी तरबियत करें अल्लाह देख रहा अल्लाह सुन रहा है बच्चों की तरबियत इस तरह करें अपने बच्चों की बचपन से जो है ईमान का असल जो है हिस्सा है एक शोबा है एक बेहतरीन शोबा है असल है तो हम इसकी फिक्र करें अपने अंदर हया पैदा करें अपने बच्चों में बचपन से हया पैदा करें उनको अच्छा लिबास पहनाएं उनको अच्छी गजा खिलाएं अगर गजा हराम हो बेहया बन जाएंगे जिसम पर कपड़ा नाख़िस हो बेहयाई पैदा होगी और आज देख लें जो बेहयाई आम हैं उसके कई इसबाब हैं बुनियादी इसबाब एक गज़ा हैं हराम गजा हैं और लिबास मुकम्मल लिबास हो सातिर जिसम को छुपाने वाला हो बचपन से आर्डर डालें हम ज़िम्मेदार हैं इसके और बहुत सारे उसके अस्बाब हैं उसके बाद अल्लाह ने कहा वला हर्रम अल्लाह जिस जान को अल्लाह ने ना हक कत्ल करने से मना किया उसको कत्ल मत करो ना हक़ किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुना है सज़ा है आके आखिर में मैं सुनाऊँगा हजरतलवाजा के मौके पर अल्लाह के नबी सास ने जो तालीम दी थी उसमें कत्ल मोमिन के कतल से मना किया था वहाँ मैं थोड़ी और रोशनी डालूंगा आगे अल्लाह ने कहा लुम वकुम बही लाअम ताखिलून अल्लाह ताला ने जो है ताकिदी हुक्म दिया है तुम्हें वसीयत फरमाइए ताकि तुम समझो आगे अल्लाह ने कहा वसीयत करते अपने पैगाम सुनाए अपने बंदों के नाम वला तखरब माल यतीम अलती अहसन यतीम के माल के करीब भी मत जाओ यतीम के माल यतीम के बहुत सारे हकूक़ बताए गए वो बच्चा या बच्ची बालग होने से पहले जिसके बाप का इंतकाल हो जाए उसको यतीम कहते हैं शफकत का नरमी का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा जो उससे छूट जाता है अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चे और बच्ची के तल्ल से सख्त ताक़द हुक़्म दिया हैं और प्यारे नबीसम अल्ला ने अल्लाह त आपके ज़रिए लिसान नबूत ये खुशखबरी दी अन्ना वाह फ़िलयतीम हाँ कदा फिलजन्ना मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्त में इस तरह करीब होंगे अपने दोनों उंगलियों को आपने क़रीब करके इशारा किया यतीम के बारे में बहुत सारी ताकीदकुम दी, अल्लाह तरी न में भी इब्तदाई आए आप पढ़ें सुर नसा में जो है सुर नसाह की जो है आप आयतें पड़े इब्ताई इसी तरह अहदीस बहुत सारे अहादीस हैं जिसमें यतीम के बारे में खसूस हिदायत दी गई यतीम को सुर नसा में अल्लाह ने कहा जो नाक यतीम का माल खाता है वो जहन्नम की आप को अपने पेट में भरता है अल्लाह अकबर इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा ताओ फुल्कमीजा किस्त अल्लाह ताला ने कहा कि नाप तोल पूरी पूरी करो जब नाप तोल का मामला हो तोलने का मसला हो लोगों को तोल कर देने वजन करने का मामला हो पूरा पूरा किया जाए कौम शुब का जिक्र अल्लाह ने किया कुरान में सुर आराफ़ पढ़िए शुर हूद पढ़िए कौम शुयब नाप तोल में कमी करती थी उस कौम को बहुत सारी और बुराइयाँ थी लेकिन सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा जुर्म उनका नाप तोल में कमी करना पूरी को एक ज़बरदस्त शेख के ज़रिए अल्लाह ने हलाक किया और रहती दुनिया के लिए इबरत बना दिया वहीमुतफ़ी अल्लाह ने कहा नाप तोल में कमी करने वाले और सिर्फ नाप तोल में कमी ये नहीं है कि हम सिर्फ तौल में वजन में कमी करें किसी की उजरत में कमी करना किसी का पूरा काम लेना और कम करना और आज लॉकडाउन के अयाम में देखिए मुख्तलिफ तरीक़े से बहाने हीले बहाने बनाकर या तो काम से निकाला जा रहा है मजबूर लोगों का किया जा रहा है या तनख्वाहें बेजा ताकत रख कर भी कम की जा रही हैं काम बराबर ले रहे हैं बाज़ लोग लेकिन तनख्वाहें जान कर कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं दे रहे हैं काम से निकाल रहे हैं अल्लाह अकबर लेकिन वहाँ अल्लाह के अच्छे बंदे भी हैं जो बग़ैर काम के भी बिठा कर जो है तनख्वाह दे रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह जजाय खैर दें उन अफराद को और बरकत दे अल्लाह ताला उनके माल में उनकी कोशिशों कबूल फ़रमाएं और जो नादानी कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाएं आमीन इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा आगे फरमाया कोईदा कुल तुम फिलूँ कहाँ जब तुम बात करो तो इंसाफ वाली बात करो सीधी सच्ची बात अदलो इंसाफ वाली बात चाहे अपने बारे में इंसान चाहता है इंसाफ मिले तो हम चाहें दूसरों को भी इंसाफ मिले दूसरों को भी इंसाफ़ मिले हर एक के साथ वो मामला करें जिसका अल्लाह तकम दिया है जैसे मैंने कहा मेरे पास तफसी वक्त नहीं है एक एक टॉपिक पर जो है कई घंटे चाहिए मैं इशारा कर रहा हूँ रफ़ के पैगाम अल्लाह के बहुत सारे पैगाम हैं अहम पैगाम की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ अल्लाह ने कहा वलोख्या अदा कुरबा चाहे अपना करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो इंसाफ वाली बात हर एक के साथ इंसाफ हरेक अल्लाह का बंदा है हरेक अल्लाह की बंदी है हरेक का साथ दें ओ भी आहदिल्ला ही आउफ अल्लाह ने कहा अल्लाह के अहद को पूरा करो अल्लाह ने जो हमसे अहद लिया दुनिया में आने से पहले तोहेद का अहद अलस तो का आहद अल्ला ने लिया दुनिया में जीने का मुकम्मल तरीक़ा अल्लाह ने हमें सिखाया है और अल्लाह के आहद से मुराद बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं जो भी मुकम्मल ज़िंदगी अगर हम मुख्तसर कहें मुकम्मल ज़िंदगी का जो ख़ुलासा अल्लाह ने बताया प्यारे नबी सा के ज़रिए अल्लाह के आहद को हम पूरा करें झालकम वसाकम बही लाआलकुम तद ला करा इसकी वसीत अल्लाह ने तैने की है और आखिर उसके बाद तहन सरात ही मुस्तीमा ये कहा सीधा रास्ता ये सरात मस्तीम है इसकी पैरवी करो और उसके अलावा जितने रास्ते हैं उनकी पैरवी ना करो और अल्लाह के नबीसम ने इस बात को बेहतरीन अंदाज़ में समझाया वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी वसम ने एक सीधी लकीर खींची और उसके दाएँ बाएँ जानब लकीरें खींचीं और कहा यह सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है जो जन्नत तक ले जाएगा कुरान हदीस पर अमल करें सही मनहज को मनहज नबी सल्ला वसम मनहज साहबा पर अमल करें तो हम सीधा जन्नत में दाखिल होंगे अगर इधर उधर झांके शैतान के रास्ते पर चलें तो हम गुमराह हो जाएँगे ये वसीयत अल्लाह ताला ने की ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है पैगाम बंदों के नाम इसी तरह मैंने इशारा किया हजतुलदा के मौके पर प्यारे नबी वसल्लम ने बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया था मुख्तसर जो मेरा वक्त है मैं उसमें इशारा करते हैं आगे बढ़ूँ सबसे पहली बात अल्लाह के नबी सास ने जो बताई थी खून मुस्लिम की हरमत मुसलमान के खून की हरमत की तरफ अल्लाह के नबी सा ने इशारा किया अलादीमा अमकुम कहा तुम्हारे खून आपस में जैसे शहर मक्का हराम मक्रामा शहर है हरमत वाले महीने में ज़ुलजा के महीने में हरमत वाले दिन में अल्लाह के नबी सा ने खुतबा दिया और कहा जिस तरह काबे की इज्जत है अल्लाह के पास उससे बेहतर एहतराम जो है मुस्लिम एक मुसलमान का एहतराम बहुत ज़्यादा है काबे से भी ज़्यादा है काबे की बेहरमती से ज़्यादा मामला मुसलमान के बेहरमती का मामला बड़ा अहम मसला है ये और अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे मकाम पर अल्लाह ने जान बूझ करना कत्ल करने से मना किया जहन्नम की वही सुनाई अपने ग़ब की वही सुनाई और कहा हमेशा जहन्नम में रहेगा इसकी तफसीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तुमा ने कहा कि मुख से तवील मुराद हैं राज कौल के मुताबिक अक्सर दलाइल की रोशनी में कि एक लंबी मुद्दत नाक कत्ल करने वाला लंबी मुद्दत रहेगा तो किसी मुसलमान को नाक कत्ल करना अल्लाह के नबी सा ने फरमाया इब्ने माजा की रिवायत लाजवाल दुनिया ला बगैर दुनिया का खातिमा दुनिया पूरी खत्म हो जाए दुनिया का ख़ातिमा किसी मोमिन के नाजायज़ कत्ल से अल्लाह ताला पर ज्यादा हल्का है पूरी दुनिया भी अगर हलाक हो जाए ख़त्म हो जाए उससे बड़ा मामला अगर किसी मोमिन का मुसलमान का नाक कत्ल हो जाए बड़ा मसला अल्लाह के पास अल्लाह बड़ा अहम है इस तरह और बहुत सारी अहदीस हैं और क़ियामत के दिन सबसे पहला हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह में सबसे पहले हिसाब होगा नमाज के बारे में और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून के बारे में सवाल होगा किसने नाक कत्ल किया अल्लाह अकबर उसके बाद दूसरी बात कहाँ माले मुस्लिम की हरमत का जिक्र की पना हराम से अल्लाह पना मांगी इसी तरह छठी चीज़ अमली नमूना अल्लाह के नबी सासन ने पेश किया अभी जो मैंने मिसाल दी अल्लाह के नबी सासन ने माफ़ कर दिया खिसास को खिसास ले सकते थे अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया बल्कि फतेह मक् के मौके पर इससे पहले यह का मौका फतेह मक् के मौके पर तमाम काफिरों को अल्लाह के तसरी वालक्योम वही कहा जो यूसुफ्लाम ने अपने भाइयों से कहा था आज कोई गिरफ नहीं जाओ तुम सब आज़ाद अल्लाह अकबर ताइफ वालों को आपने माफ़ किया बदुआ के लिए उठने वाले हाथ दुआ के लिए उठे मलो खुल्जिबाल आ गया था पहाड़ों का फरिश्ता फिर भी आपने दुआ की अल्लाह अकबर अमली नमूना आप सब ने पेश किया ये पैग़ाम अल्लाह ताला ने दिया है हम भी जो है दूसरों को माफ़ करने वाले बने दूसरों को माफ़ करने वाले बने औरतों के बारे में ख़ास नसीहत की अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो वक्ती तौर से अल्लाह ताला ने तुम्हारे हवाले किया है किसी को माँ किसी को बेबी किसी को बेटी ये रिश्ते अल्लाह ने जोड़े हैं और और ज़ात जो है कमज़ोर होती है उस पर किसी तरह का जुल्म ना किया जाए अल्लाह से डरें इस मामले में बहुत सारी तालीमात अल्लाह के नबी सा बताई कबल इसके कि कोई मर्द ये समझें कि मैं इस पर हाकिम और कवाम बनाया अल्लाह ने लेकिन आखिर में अली कबीर अल्लाह ने इस दो सिफत बताए अल्लाह बुलंद है अल्लाह बड़ा है सबसे बड़ा है तुम पर निगरान है अल्लाह हम पे निगरानी फरमा रहा है अल्लाह का आज़ाब कभी भी आ सकता है औरतों पर नाक जुल ना करें उनके साथ भलाई हसन सलूक से पेश आएँ नरम मिजाज होते हैं शीशे से अल्लाह के नबी सास ने तशबी दी इसी तरह बीवी और शोहर के हकूक़ की तरफ अल्लाह के नबी सास ने इशारा किया दोनों के एक दूसरे पर हक़ हैं दोनों का अदा करना ज़रूरी हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी नबीम ने अल्लाह की किताब को मजबूती से थामने की वसीयत की ये पैग़ाम है अल्लाह का अगर क़ियामत तक अगर हम अपनी मौत तक हर एक और क़ियामत तक आने वाले अगर चाहते हैं सरात मस्तकीम पर रहें उस रास्ते पर जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी नबीसम छोड़ के गए किताबुल्लाह अल्लाह का कलाम है और नबी नबीम का पैगाम है आपका फ़रमान है इन दोनों को थाम लें और इन दोनों को समझने के लिए दीगर जो अदिल शर्या फ़रिया जिसको कहा जाता है मसाद जुज़िया उन पर भी अमल करें कियास है इजमा है कौल सहाबी है इस्तेहसान मरस मसाले मुरसला सद जरा ऊर्फ़ ये तमाम चीज़ें उसका भी सहारा हम लें इनको मजबूत इस लें खास किताब व सुन्नत में ये पैगाम हैं ये अहकाम हैं ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं और कामयाब होने के तरीके अल्लाह ने बताएँ खोल खोल कर आखिरी बात जो अल्लाह के नबी साने बताई इस खुतबे में कि अपनी उम्मत तक दीन को अल्लाह के नबी सासन में पहुँचा दिया अल्लाह ताला ने ये पैगाम जो पैगाम देना था अल्लाह ने उस हजत को मुकम्मल किया अरफा के मैदान में अलोम अखमल तो रदी तोल इस्लाम दीना उतार कर अल्लाह ने कियामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया उसको वाज कर दिया प्यारे नबी सासन की तरह इशारा भी किया कि आपको जिस मकसद से अल्लाह ने भेजा था वो पूरा हो गया अब यह जिम्मेदारी की रहेगी ओल सहाबा ने जिम्मेदारी अदा की ताबेन तब ताबे आज भी मौजूद हैं कियामत तक अल्लाह ताला भेजेगा आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रब के इस अजीम पैगाम को समझने की उस पर अलमल करने की अल्लाह तोफ़िका फ़माएँ इस पैग़ाम को कमा हक हो दूसरों तक तो पहुँचाने की सादत नसीब फरमाएँ जब तक अल्लाह ताली दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखें ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अखूल हजलवासफ़रल वल्खमली इनमसिन अमिन खुलमबिन वस्तफ़िरल्लाफुररम वालकम वरम् वर्कात